मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा बहुत अच्छी औषधि है वो आप सभी के काम आएगी, जिनको भी गुर्दे का त्रास है, कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, बात की तकलीफ बहुत ज्यादा अगर हो। कई बार ऐसी कंडीशन होती है बात की तकलीफ में कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है, वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है, थोड़ा भी करपट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, बात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस को भी ठीक कर दे। परिजात के पत्ते, परिजात का फूल आपने देखा सफेद फूल होता है और गंडी नारंगी होती है और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही फूल आता है। तो इस परिजात के पेड़ के पत्ते तोड़िए, जिनको भी पुराने डायबिटीज है, अर्थराइटिस, गुर्दे की तकलीफ पुरानी हो, 10 बरस पुरानी, 15 बरस पुरानी, 20 बरस पुरानी, 25 बरस पुरानी, 40 बरस पुरानी, ठीक ही नहीं होती, डॉक्टर ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये है परिजात। परिजात के पत्ते तोड़िए, 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालिए, पानी को खूब उबालिए और इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। कितना पानी? 1 गिलास पानी, 5-6 परिजात के पत्ते, पत्तों को बनाइए चटनी, चटनी को मिलाइए पानी में, 1 गिलास पानी, पानी को उबालिए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको पीना, छान के पिए तो अच्छा है और वैसे पिएंगे तो और भी अच्छा, वो पत्ते अगर जाए पेट में तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको पीना है तो सुबह ही सुबह पीना है, खाली पेट पीना, तो मतलब इसका ये है कि रात को ये बनाइए, परिजात के पत्ते तोड़ के चटनी बना के पानी में उबाल के रात को रख दीजिए, रात भर रखिए, सुबह उठकर उस पानी को पीना, मुंह धो के साफ करके कुल्ला तकुल करके। अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो 40 साल पुराना डायबिटीज, सॉरी अर्थराइटिस, जो हाथ पर भी नहीं हिलने देता वो हाथ पर हिलना शुरू करा देगा और कितना भयंकर दर्द हो, 7 दिन में तो दर्द बिल्कुल गायब करा देगा, बहुत अद्भुत है। इसलिए मेरा सबको एक विनंती है कि परिजात का झाड़ अपने घर में जरूर लगाएं और परिजात का झाड़ गमले में भी लग जाता है, उसको बहुत जगह नहीं लगती, छोटी सी जगह में भी हो जाता है। ये परिजात का झाड़ बहुत ही अद्भुत है हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, दोनों ही तरह के अर्थराइटिस में, दोनों ही तरह के संधिवात में बहुत अद्भुत है और पुराने संधिवात में तो सबसे ज्यादा अद्भुत। आयुर्वेदिक उपचार के सभी दर्शकों को सादर वंदन। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकालकर भाई श्री राजू दीक्षित जी का यह अद्भुत व्याख्यान सुना, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, आज के इस समय में केवल इन व्याख्यानों को देखना एवं सुनना ही काफी नहीं है, इन दुर्लभ व्याख्यानों को आप अपने चित परिचित एवं दोस्तों तक शेयर करें ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चीजों का महत्व समझे एवं इनका लाभ उठा सके। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।